उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना रघुपुरा क्षेत्र के अंतर्गत से एक बड़ी खबर सामने आई। थाना रघुपुरा पुलिस ने कार में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों से लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश से हुई पुलिस मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश राहुल उर्फ अजय गोले लगने से घायल, फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से चोरी की स्कूटी व अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ये लगातार जनपद गौतम बुद्ध नगर में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी, लगातार इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस छात्र किस्म के बदमाशों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आज रघुपुरा पुलिस ने कार में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों से लूटपाट करने वाले छात्र किस्म के बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं इस खास खबर को, क्या है पूरा मामला और किस तरह से छात्र किस्म का बदमाश लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों से लूट करता था। आइए देखते हैं इस खास खबर को। देखिए, आज रघुपुरा पुलिस मिर्जापुर कट के पास चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने बैरियर पे धक्का मारते हुए बदमाश आगे की ओर बढ़ा और पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। आगे जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की तो उसने पुनः पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। इसी फायरिंग के दौरान बचाव में काउंटर एक्शन में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम राहुल है, जो मछली शहर जौनपुर का रहने वाला है। ये गैंग बना करके काम करता है। इसके गैंग में 4 सदस्य हैं। ये लोग 2-3 सदस्य नीचे खड़े होते हैं और एक ड्राइवर रहता है। कोई भी सवारी के साथ ये घुल मिल जाते हैं और उनको गाड़ियों पर बैठा लेते हैं और आगे ले जा करके लिफाफे में उनकी चेकिंग के नाम पे उनका पैसा रख लेते हैं तथा उसके पश्चात धक्का दे करके इसको यात्री को फेंक देते हैं। पूर्व में भी ये घटना एक फौजी के साथ रघुपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी, उसी घटना को इसने स्वीकार किया है। इसके 3 साथी हैं, उसके लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। कई जिलों में इसने घटनाएं कबूल की हैं। अन्य प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है। गहनता से पूछताछ की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।